गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ चौधरी कमला. इन योर फोर्थ स्टैंडर्ड EVS सब्जेक्ट, इन अवर प्रीवियस वीडियोज वी ऑलरेडी फिनिश्ड अप टू अवर चैप्टर नंबर 15. नाउ टुडे वी हैव टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 16, ए बिजी मंथ. इट्स पार्ट वन, वी हैव टू स्टार्ट नाउ. नाउ हियर यू हैव टू गिवन वन ऑफ दी दैट लेटर टाइप. बाल मंदिर, भावनगर, 13 अप्रैल 1936. इधर आपको कुछ एड्रेस दिया है, उसमें कुछ लेटर जैसा लिखा हुआ है चिल्ड्रन के लिए. तो क्या लिखा है? बाल मंदिर भावनगर से 13 अप्रैल 1936 को. डियर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए कुछ लेटर लिखा हुआ है. इट इज़ 3 o'clock इन द आफ्टरनून. ये दोपहर के 3 बज चुके हैं. देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई. स्काई में क्लाउड्स नहीं है. द सन इज़ बर्निंग हॉट. सन क्या है? बहुत ही गर्म हो गया है. मीन्स बहुत ही गर्मी है अभी. द स्पैरोज, डव्स एंड सन बर्ड्स हैव स्टार्टेड वर्किंग इन पेयर्स एज दे प्रिपेयर टू मेक देयर नेस्ट. स्पैरो, डव्स और सन बर्ड ने सबने मिलके क्या किया है? अपना जो नेस्ट है वो बनाने का स्टार्ट किया है. सम ऑफ द बर्ड्स हैव ऑलरेडी मेड देयर नेस्ट. उसमें से बहुत सारे बर्ड्स ने क्या कर लिया है? अपना खुद का नेस्ट ऑलरेडी बना दिया है. इन सम ऑफ द नेस्ट द एग्स हैव हैच्ड. बहुत सारे ऐसे भी नेस्ट है जिसमें ऑलरेडी अभी एग्स आ चुके हैं. द पेरेंट बर्ड्स आर बिजी फीडिंग द चिक्स विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड अदर थिंग्स. जो पेरेंट बर्ड है, जो उनके माँ बाप है, वो लोग क्या करते हैं? जो बर्ड्स हैं, जो छोटे एग्स है उसके जो पेरेंट बर्ड है, वो लोग अभी बिजी है किस में? द फीडिंग द चिक्स. चिक्स को क्या करने के लिए? फीडिंग करने के लिए. वो भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट एंड अदर थिंग्स. वो क्या करते हैं? छोटे छोटे इंसेक्ट लाते हैं या फिर दूसरा कुछ ला के उनको फीडिंग करवाते हैं. इन अवर कोर्ट यार्ड ऑल्सो देयर इज बेबी डव. हमारे जो कोर्ट यार्ड मीन्स जो आंगन के बाजू का पार्ट होता है, वहाँ पे भी एक बेबी डव है. देयर इज अनोदर एग इन द नेस्ट बट इट हैज नॉट हैच्ड एट. देयर इज अनोदर एग इन द नेस्ट. वो क्या है? दूसरा भी एक एग है बट इट हैज नॉट हैच्ड एट. बट वो अभी तक फूटा नहीं है, क्योंकि उसमें से वो जब फूटेगा तभी उसमें से बच्चा निकलेगा. नाउ नेक्स्ट पेज. ऑन द वे ऑफ वे टू गोपाल बाईज हाउस, ऑन द वे टू गोपाल बाईज हाउस देर आर मैनी स्टोन्स अलॉन्ग द रोड साइड. गोपाल भाई के हाउस की तरफ अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टोन्स मीन्स पत्थर पड़े हुए रोड साइड पे. इन द स्पेस बिटवीन दिस स्टोन्स एंड इंडियन रोबिन हैज लेड इट्स एग्स. जो इंडियन रोबिन आता है वो जो स्टोन के बीच में जगह है उसमें वहाँ पे अंडे दिए हैं. एंड इंडियन रोबिन हैज लेड इट्स एग्स. बच्चू भाई शोड इट टू मी. बच्चू भाई ने ये मुझे दिखाया. आई लुक्ड थ्रू द बाइनोकुलर्स. वो जो बाइनोक्यूलर्स था उसके थ्रू मैंने उसमें से देखा. आई सो दैट द नेस्ट वॉज मेड ऑफ ग्रास. वो जो नेस्ट था उसमें से जो किससे बना हुआ था? मेड ऑफ ग्रास. ग्रास से बनाया हुआ था. ऑन टॉप ऑफ दैर वेयर सॉफ्ट ट्विक्स रूट्स वूल हेयर एंड कॉटन वूल. उसके टॉप पे क्या था? तो सॉफ्ट ट्विक्स थी. मीन्स जो आप बोलते हो जो डालियाँ होती है, रूट्स होते हैं, वूल होता है, हेयर होता है, बट ये सब जो सॉफ्ट होता है वो सब निकाल के लाते हैं. दिस इज हाउ द रोबिन मेक्स इट्स नेस्ट. रोबिन जो इंडियन रोबिन है वो ऐसे अपना नेस्ट बनाता है. व्हाट अ सॉफ्ट एंड कोजी होम फॉर इट्स चिक्स. उसके जो बच्चे थे उनके लिए कितना सॉफ्ट और ऐसा अच्छा सा घर उसने बनाया है. द रोबिन इज नॉट लाइक द क्रो. रोबिन क्रो के जैसा नहीं दिखता है. ए क्रोज नेस्ट इज मेड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इवन पीसेस ऑफ वायर एंड वुड्स. क्रो क्या करता है? ऐसे ही अपना नेस्ट बनाता है बट वो उसमें वायर एंड वुड ऐड करता है. आई सो ए बेबी बर्ड इन द रोबिन्स नेस्ट. इट वॉज सिटिंग विद द बेक अ बिग वाइड ओपन. द माउथ वॉज रेड फ्रॉम इनसाइड. रोबिन्स ने जो रोबिन का नेस्ट था उसमें उन्होंने बेबी बर्ड देखे. वो अपने मुंह खुला करके बैठे थे बट वो उसमें से अगर उन्होंने देखा तो वो रेड कलर का दिखता था. उसका जो माउथ था वो अंदर से. इन ए लिटल वाइल द रोबिन फ्लू टू द नेस्ट एंड पुट समथिंग इन द चिक्स ओपन बीक. इन ए लिटल वाइल थोड़े टाइम के बाद रोबिन क्या करता है? थोड़ा उड़ के जाता है
एंड नेस्ट में आके वो अपने बच्चों के ओपन मुंह में जो चोंच फिला के वो बैठे होते हैं उसमें वो कुछ डालता है, मे बी अ फ्यू स्मॉल इंसेक्ट्स, और वो हमें लगता है कि वो शायद कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट होंगे। बाय वैन इट वॉज इवनिंग द रोबिन सेटल डाउन विथ इट्स चिक। शाम को इवनिंग हो जाती है तभी वो रोबिन क्या करता है उसके बच्चों के साथ वो नीचे ही बैठ जाता है। यू नो दैट द कोयल सिंग्स स्वीटली, डू यू नो दैट दिस बर्ड डज नॉट मेक इट्स ऑन नेस्ट। ये जो कोयल आती है जो हम बोलते हैं आपको कोयल दिखती है आप सबने देखी होगी, वो क्या करती है बहुत अच्छा सा सॉन्ग वो सिंग करती है स्वीटली, और वो खुद का नेस्ट नहीं बनाती है। इट लेस इट्स एग इन ए क्रोज नेस्ट, जो क्रो का नेस्ट होता है उसके अंदर वो अपने अंडे रखती है। द क्रो हैचिस देम अलोंग विथ इट्स ऑन एग्स, और क्रो उसको अच्छे से उसका जो हम बोलते हैं देखभाल करता है, और वो जैसे कि खुद के अंडे हो वैसे वो उसका केयर करता है। देयर इज ए स्मॉल ट्री नियर बाय, हमारे बाजू में क्या है छोटा सा ट्री है। इट हैज ए नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम इट्स ब्रांच, और उसके ऊपर क्या है उसकी डालियों पे एक छोटा सा एक नेस्ट है वो लटका हुआ है। बर्ड्स आर सो वंडरफुली डिफरेंट, बर्ड्स क्या होते हैं बहुत ही हमें ऐसे वंडर करने वाले में बहुत ही अद्भुत होते हैं अलग अलग तरीकों के। द क्रो बिल्ड्स इट्स नेस्ट हाई अप ऑन ए ट्री, क्रो क्या करता है अपना नेस्ट बहुत ही ऊंचाई पे बनाता है। द डव मेक्स इट्स नेस्ट अमंग द थॉर्न्स ऑफ ए कैक्टस प्लांट और ए मैंदी हैच, जो डव होता है वो मोस्टली अपना जो नेस्ट है वो कहाँ पे बनाता है जो कैक्टस का प्लांट आता है उसके ऊपर या तो फिर मेहंदी के हेज पे बनाता है। द स्पैरो कैन बी फाउंड इन एंड अराउंड अवर ओन हाउस, स्पैरो हमें कहाँ पे दिखती है हमारे आजू बाजू हमारे घरों के आजू बाजू हमें वो दिखेगी। इट मेक्स इट्स नेस्ट एनीवेयर, वो अपना नेस्ट कहीं पे भी बना देती है। ऑन टॉप ऑफ द कपबोर्ड बिहाइंड ए मिरर ऑन ए लेज, वो कहाँ पे बनाएगी कपबोर्ड के टॉप ऑफ द कपबोर्ड के ऊपर भी बना देती है, बिहाइंड ए मिरर मिरर के पीछे या तो फिर कोई लेज पे भी वो बना देती है। पिजियंस ऑल्सो मेक द नेस्ट लाइक दिस, पिजियंस भी अपना जो नेस्ट है वो ऐसे ही बना देते हैं। ओफन दे मेक नेस्ट इन ओल्ड और डिजर्टेड बिल्डिंग्स, वो जो कई बार क्या करते हैं पुरानी या तो फिर कोई डिजर्टेड बिल्डिंग है वहाँ पे भी वो बनाते हैं अपना नेस्ट। द बार्बिट ऑफ कॉपर स्मिथ बर्ड कैन बी हर्ड इन दिस समर विथ इट्स टुक टुक टुक, जो एक कॉपर स्मिथ बर्ड आता है वो क्या करता है उसको हम बार्बिट भी बोलते हैं या तो फिर कॉपर स्मिथ बोलते हैं, वो अपना समर में अपना आवाज़ कई बार हमें सुनाता है टुक 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 कॉल ऐसा कुछ आवाज़ निकलता है। इट मेक्स इट्स नेस्ट इन ए हॉल, जो हॉल आता है उसमें वो अपना जो नेस्ट होता है वो बनाता है। इन ए ट्री ट्रंक, ट्री का ट्रंक होता है जो ट्री का थर्ड होता है उसके अंदर हॉल बना के वो अपना नेस्ट बनाता है। एंड द टेलर बर्ड, जो टेलर बर्ड आपको इधर दिखता है यूजेज इट्स शार्प बीक टू स्ट्रीच टूगेदर टू लिव्स ऑन ए बश, आपको दिखता है इधर वो अपनी शार्प बीक मीन्स चोंच से आप दो पत्तों को कैसे उसने देखो दोनों लीव्स को ऐसे सील दिए हैं जैसे कि कोई टेलर करता हो ऐसे वो अपना नेस्ट बनाता है। इट लेज इट्स एग्स इन द फोल्ड ऑफ द लीफ दैट इट हैज मेड, दिस इज इट्स नेस्ट, वो इसमें इसके अंदर अपने अंडे देता है और वो ऐसे अपना नेस्ट बनाता है। द सनबर्ड मेक्स ए नेस्ट दैट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ स्मॉल ट्री और ए बश, कोई छोटा सा ट्री हो या तो फिर ब्रश बश हो उसके ऊपर ऐसे सनबर्ड अपना क्या करता है नेस्ट बनाता है। द सेम इवनिंग वी सो ए सनबर्ड्स नेस्ट, कैन यू गेस व्हाट इट्स नेस्ट इज मेड ऑफ, आप उसका आपको पता है कि वो सनबर्ड है वो कैसे अपना नेस्ट बनाता है। द नेस्ट हैज हेयर ग्रास थिन ट्विग्स ड्राई लीव्स कॉटन वूल बीट्स ऑफ ट्री बार्क पीसेस ऑफ क्लोथ रैक्स एंड इवन स्पाइडर्स कॉबवेब्स, जो स्पाइडर का जो कॉबवेब उसका जो जाला आता है करोलिए का स्पाइडर का वो उसमें से भी कुछ लाके वो सब अपना नेस्ट ऐसे बनाता है सनबर्ड। व्हेन आई लुक्ड थ्रू द बाइनोक्यूलर्स आई कुड सी ए चिक इन द नेस्ट, बाइनोक्यूलर से फिर से मैंने देखा तो मुझे क्या देखा नेस्ट के अंदर बच्चे दिखे। इट वॉज सिटिंग नियर द स्मॉल ओपनिंग इन द नेस्ट,
इट वॉज वेटिंग फॉर इट्स मदर टू ब्रिंग सम फूड. वो अपने बीक को चोंच फैलाए हुए बैठे थे और वो अपने मदर का वेट करते थे थोड़ा कुछ खाने के लिए. वॉट एल्स कैन इट डू, जस्ट ईट एंड स्लीप. उनको दूसरा क्या करना था, ओनली खाना और सोना. नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 130. ऑल द बर्ड्स आर सो बिजी दिस डेज, मेकिंग ए नेस्ट एंड लेइंग द एग्स इज ओनली द फर्स्ट स्टेप. इट इज डिफिकल्ट टास्क टू रेज द यंग वंस इन द नेस्ट विच हैड बीन मेड विद सो मच एफर्ट. अभी ये सभी दिनों के लिए बिजी डेज थे उनके लिए. उनका नेस्ट बनाना और अंडे देना वो ही उनका डिफिकल्ट बहुत ही. और छोटे बच्चों को उनके वो जब तक उनको कुछ भी अफोर्ड करना है, जो कुछ उनको चाहिए, तो उसके लिए उनको ज़्यादा मेहनत करने का बिजी मन था. बर्ड्स हैव मैनी एनिमीज, बर्ड्स के भी बहुत ज़्यादा एनिमीज होते हैं. ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स टू, ह्यूमंस भी होते हैं या तो फिर दूसरे एनिमल्स भी होते हैं. क्रोज एंड स्क्वीरल्स, कैट्स एंड रैट्स, ऑल ऑफ दैम वेट फॉर ए चांस टू स्टील द एग्स. क्रोज होता है, स्क्वीरल होती है, कैट्स, रेट्स, ये सब क्या होते हैं, ऐसा चांस कि कुछ ऐसे वेट करते हैं कि उनको कुछ ऐसे अंडे मिल जाए. मैनी टाइम्स दे इवन ब्रेक द नेस्ट, कई बार वो जो ऐसा नेस्ट होता है उसको तोड़ भी देते हैं. ब्रेक द नेस्ट टू कीप वन सेल्फ सेफ फ्रॉम डंगर, टू फाइंड फूड, मेक ए नेस्ट, हैच द एग्स एंड रेज द चिक्स सेफली, ऑल दिस आर टेस्ट फॉर द एवरी बर्ड. सभी बर्ड की एक टेस्ट होता है, क्या क्या करना है उनको, कि सेफ फ्रॉम डेंजर, डेंजर से बचने का, टू फाइंड फूड, खाना फाइंड आउट करने का, मेक ए नेस्ट, नेस्ट बनाने का, हैच द एग्स, एग का हमें केयरफुली ध्यान रखने का, रेज द चिक्स सेफली, बच्चों को अच्छे से उनका ध्यान रखने का, सेफ्टी का, ये सब उनका एक टेस्ट होता है. एंड सी हाउ द बर्ड्स स्टिल सिंग विद जॉय एंड स्प्रेड देयर विंग्स एंड फ्लाई फ्रीली. और तभी आप देखो कि बर्ड्स होते हैं वो कैसे फ्री होके अच्छे से कुछ सॉन्ग गाते हैं और वो अपना एंजॉय करते हैं और अपनी विंग्स फैला के और वो फ्रीली फ्लाई करते हैं. सो दैट इज ऑल फॉर नाउ, सलाम ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर गिजू भाई. ये गिजू भाई ने उनको बच्चों को ऐसे कुछ एडवाइस दी बर्ड्स के बारे में. अभी इसके जो क्वेश्चन आंसर से दैट वी हैव टू लर्न इन अवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.